मुतार ख़ान खुश आमदेद। हमें सुहेल बड़ाई साहब हमारे कुलीग भी रहे हैं तो उनकी तरफ आना भी पड़ा है। सुहेल बड़ाई साहब, ये बताएं कि ईद मनाना वो किसको कहते हैं? ईद एक त्यौहार है जी, और उसको ज़ाहिर है खुशियों के साथ रिलेट करना चाहिए, खानों के साथ रिलेट करना चाहिए, रिलैक्सेशन के साथ, मिलने मिलाने के साथ, तो इसका नाम ही ईद है। तो आप ईद मनाते हैं? जी मनाते हैं। कभी ऐसा कोई हुआ हो कि आप समझ रहे हो, अंदर से आपकी आवाज़ आ रही हो कि सुहेल बड़ाई, इस दफ़ा आपने ईद नहीं मनाई? नहीं, जैसा भी हो, तकलीफ़ गम का मौका भी हो, फिर भी कुछ ना कुछ तो ईद मनानी पड़ती है। खाने तो त्यौहार है, तो बावजूद इसके कि जब वालदा की डेथ हुई या वालद की डेथ हुई तो अगली ईद बड़ी मगमूम थी, लेकिन फिर भी ईद के खाने खाने पड़े, ईद की नमाज़ पढ़नी पड़ी, ईद के जो फंक्शन थे उनमें शिरकत करनी पड़ी, आपको गम के बावजूद शिरकत करनी पड़ जाती। साफियों को ईद मनानी चाहिए? जी क्यों, साफ़ी भी इंसान है, साफियों को भी हर वो काम करना चाहिए जो इंसान करते हैं। ये जो हम ईद मनाते हैं, या फिर ख़ास तौर पर साफ़ी की बात इस तरह से की कि हम लोग उस पेशे से मुंसलिक हैं, और इसी तरह ये होता है कि जो उस ट्रेड या प्रोफेशन के लोग होते हैं जो खुशहाल या थोड़े बहुत फौखे होते हैं, उनकी ईद फिर उन लोगों की ईद जिनके लिए ईद एक खुशी का सबब तो होगा, लेकिन उनके लिए ईद एक लिहाज से अजाब भी बनी होती है कि ईद की वजह से अखराजात में इजाफा होता है और किसी ना किसी तरीके से उसको वो मीट करने की कोशिश करता है, किसी ना किसी तरीके से वो करने की कोशिश करता है। तो उस हवाले से क्या कहोगे कि वो हजरात जो अफोर्ड नहीं कर सकते लेकिन ईद मनानी है उन्होंने, और बड़े उस तरीके से नहीं मनानी जिसको मैं कहता हूँ बड़े शायना तरीके से, तो उसमें कैसा होगा कि इस जो मुआशरा होता है हमारा मुआशरा, तो आपने अगर बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं तो आप ही को कहेगा कि जनाब चौधरी साहब बड़े अच्छे कपड़े पहने हैं, अगर आपने कुर्बानी बड़ी शानदार की है तो आप ही को कहेगा मुआशरा के कमाल की है। एक दूसरे साहब हैं जिन्होंने कोई कपड़े इतने ज़्यादा मुनासिब भी नहीं पहने हुए और कुर्बानी भी इतनी ज़्यादा नहीं की, तो मुआशरा उसकी तरफ कम ही रजू करता है। ये क्या, ये सही है? ये देखिए, सोशलिस्ट मुआशरा तो है नहीं हमारा कि यहाँ मसावात हो, यहाँ सब लोग बराबर हों, सबको बराबर की अपॉर्चुनिटीज़ हो, हमारा तो कैपिटलिस्ट मुआशरा है, और कैपिटलिस्ट मुआशरे में ये ऊँच नीच जो है ये होती है। कोशिश करनी चाहिए कि हम उस ऊँच नीच का हिस्सा ना बने, लेकिन बहरहाल हम भी मजबूर हैं, सारे उस ऊँच नीच का हिस्सा होते हैं, और आपको उसके मुताबिक ही जो आपका स्टेटस है उसके मुताबिक ही ज़िंदगी बसर करनी पड़ती है। सही भाई साहब, आप जब हमारे साथ जर्नलिज्म में होते थे, जब प्रिंट था, टीवी नहीं आया था, आपका एक मिलने का अंदाज़ होता था, झुक के मिलना। आपने आप जब रिसेप्शन पे आते थे, हमें इतला पहुंच जाती थी कि चौधरी सुहेल बड़ाई साहब आ चुके, आप 4:10 पे आए तो, लेकिन कमरे में आप 4:35 पे पहुंचे थे, जो बीच के 25 मिनट है वो पता चलता था कि सुहेल बड़ाई साहब ने हर एक को मिल के आए हैं। तो आप तो ये ईद का स्टाइल तो आपका रोज़ कर रहा है, आप जैसे मिलते हैं, अगर आपको कोई किसी को मिलते हुए देख लेता तो वो यही एक दफ़ा थोड़ी देर के लिए कन्फ्यूजन में चला जाता कि आज कहीं ईद तो नहीं है। नहीं, लोगों से कोशिश करते हैं मोहब्बत करने की, कोशिश करते हैं मोहब्बत की कन्वे करने की, अपने अंदर की मोहब्बत लोगों तो जवाब में आपको मोहब्बत मिलती है? बहुत मिलती है। तो ईद के हवाले से कभी हुआ हो, जेन में आया हो कि जो पैसे देने वाले होते हैं, ईदी जो देते हैं, जिससे आपको उम्मीद सी होती है कि ईद भी देगा, अगर वो ना रहे तो एक खलासा रहता है? खला रहता है। नहीं, अब तो हम ईद लेने वाले में तो अब रहे नहीं, अब तो ईद देने वालों में हैं हम। तो मैं इसी लिए पूछ रहा हूं। एक वक्त था कि हम ईद लेने वालों में होते थे, बड़ा मज़ा आता था, अब जाहिर है सारे लोग बच्चे तवक्को करते हैं कि हम ईद दें उन्हें। तो आप उनकी उम्मीदों में पूरा उतरते होंगे, आपको पता होता होगा कि हम भी एक ज़माने में इसी तरह उम्मीद करते होते थे, तो आप उस हवाले से करते हैं आप। लेकिन ये खला तो रहता है ना कि वो जिनसे हम ईद लिया करते थे वो दुनिया से ही चले गए, आप तो उसका एक थोड़ा रहता है। तो अमूमी तौर पर ईद जो होती है, जिस तरह से हम मनाते हैं, पाकिस्तानी जिस तरह से ईद मनाते हैं, हालात जिस तरह के मर्जी हो, जैसे आजकल इंतखाबात का भी ज़ोर है,
साथ में ईद भी आ गई, साथ में महंगाई भी चल रही है, साथ में लोग कहते हैं कमर भी टूट गई है, साथ में लोग कहते हैं कुव्वत खरीद में इजाफा हो गया, साथ में लोग कहते हैं अफोर्डेबिलिटी का इशू है। तो इस सारी चीज़ों को देख के तो जो ईद की जो रोशनी होती है वो मदम नहीं हो जाती। जी हो जाती है, महंगाई ने बड़े लोगों की कमर तोड़ के रख दी है वाकई। ये खासकर पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा हुआ है, घी की कीमतों में इजाफा हुआ है, ये हालिया जो इजाफा है ये बहुत ही इसने मुश्किल में डाल दिया लोगों को। तो इन हालात के बावजूद भी लोग जब गले मिलते होंगे तो उसी खुशी खुशू से मिलते होंगे। मेरा ख्याल है कि खुशी में चंद लम्हों के लिए लोग भूल जाते हैं कि हम किन हालात से गुजर रहे हैं। जैसे कि हुआ था कि गलती से, लोग कहते हैं गलती से, मैं तो उसको गलती से नहीं कहता, लोग कहते हैं गलती से कि वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया। तो उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए बड़ी खुशाइंद बात है कि थोड़ी देर के लिए इनकी तवज्जो सियासत से बढ़ जाएगी और इनको खुशी के लम्हात मैसर आ जाएंगे। आप जब ईद मनाते हैं तो आपको आपके साथ काम करने वाले लोग जो होते हैं साफ़ी ज़्यादा आते हैं या पॉलिटिशियन आते हैं? नहीं, आप ज़्यादा साफ़ी पॉलिटिशियन नहीं आते आपका तो पॉलिटिशियन भी है, दोस्त हैं और साथ जो दोस्त पॉलिटिशियन है वो उनसे रابطہ होता है और जो साथी हैं उनसे ज़्यादा कुलीग्स जो हैं अपने साथी। तो साथी कुलीग्स तो उनकी तादाद तो कम है और जो सियासतदान है जिनके साथ आप सुबह दोपहर शाम उठना बैठना होता है, एक दिन जियो के साथ होता है, उनके साथ तो आप उनकी तादाद तो बहुत ज़्यादा है। हाँ, लेकिन उनसे बस प्रोग्राम किया और रابطہ किया, उनसे कुछ ज़ाती दोस्तियाँ इतनी ज़्यादा नहीं होती। लेकिन वो रजू तो करते होंगे कि यार ये ट्रेन मैच है, ये लिखता भी है, किताबें भी लिखी है, टीवी में शो भी करता है। बस ऐसे ही है जी स्टार खान साहब, असल तो आपका अपने प्रोफेशन के लोग ही आपके दोस्त होते हैं। अच्छा, ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से कोई ऐसा हुआ कि किसी ने जो इलेक्शन लड़ रहा हो उसने फ़ोन किया हो कि चौधरी साहब को दसो यार मैं लड़ना पड़ना? नहीं, किसी ने नहीं कहा, फ्रेंकली किसी ने नहीं पूछा, किसी ने नहीं किया, नहीं किसी ने। तो ये हमारी गुफ्तगु चंद, इसको चंद लम्हात कहेंगे, चंद लम्हात की गुफ्तगु सुहेल भाई साहब से हुई कि ईद के हवाले से। बहरहाल कोशिश कीजिएगा ईद के हवाले से दाएं बाएं, कहते हैं ना कि अगर आसपास के लोगों का ख्याल रखना थोड़ी देर के लिए शुरू कर दें, थोड़ी देर से मुराद ये कि ईद के मौके पे, तो मेरे ख्याल में बेहतर हो जाता है बजाय इसके कि अपनी ही तरफ सारी की सारी तवज्जो सिर्फ अपनी ही तरफ हो। सही बात, अपने घर वालों की तरफ हो तो आसपास कई जगह पे नज़र पड़ती होगी कि इनको आज ईद के रोज़ इनको ज़रूरत है, एक तवज्जो की ज़रूरत है, वो आप दे सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा, इसके साथ ही अब्दुल सत्तार खान को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।